इन कामों में तो बहुत टाइम लग रहा है। मैं जा रही हूँ आयन और यशी को मिल्क देने के लिए, उसके बाद करूंगी। काफी सारे कपड़े देखिए लग गए हैं, सारे कपड़े मैंने तय लगा लिए ऑलमोस्ट, बस बेडशीट बची हैं तो उन्हें भी कर लूंगी। पहले मिल्क दे देती हूँ इन लोग को। आयना यशी को तो मिल्क दे दिया मैंने, अब मैं भी पानी पी लेती हूँ, काफी देर से कपड़े रख रही हूँ। चलिए ये सारे कपड़े रख लेते हैं अलमीरा में। स्टार्ट करती हूँ अपने कपड़ों से। इतने सारे कपड़े थे, मुझे इन्हें तय लगाने में ही 2 घंटे लगे हैं, सोच लीजिए आप लोग। एक्चुअली तय लगाने में नहीं है, तय लगा के अलग अलग रखने होते हैं ना, कि ये मेरे हैं, ये आयना के, यशी के, ये इनके पापा के, तो सारे कपड़े अलग अलग रखे हैं। अब इनको अलग अलग कबड़ में रखने हैं, क्योंकि मेरी अलग है, बच्चों की अलग है, हस्बैंड की अलग है, तो ये तो मेरी कबड़ है, इसमें मैं पहले अपने जो भी मैंने अलग से रखे हैं तय लगा करके उन्हें रख दे रही हूँ। और यशी भी यहाँ पे लेट के दूध पी रही थी, तो मैंने संभाल के वो खोली हुई है कि कहीं उसके लग नहीं जाए सर पे। तो और यहाँ पे ना फ्रॉक भी मैं ये वाली, क्योंकि कबर्ड ना थोड़ी लंबी है तो यहाँ पे हैंग करते भी बन जाता है, तो इस वाले में मैं इसीलिए फ्रॉक वगैरह भी रख देती हूँ आयना यशी की। बाकी ये बीच वाली जो मैंने अभी ओपन कर रखी है, यहाँ पे आयना यशी के कपड़े रहते हैं और बेडशीट नीचे तरफ रहती हैं, और उसके बगल में जो है वहाँ पे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, तो इसी तरह मैं रख देती हूँ। और ये लोगों ने ये देखिए अभी इतने बुरे हाल हो रखे हैं। और ये कंगन मैं ढूंढ रही थी तो मुझे मिल गया, एक मुझे मिल नहीं रहा था, उसमें नीचे पड़ा था। ये चूड़ियाँ इस बॉक्स में थी तो इसी में ही रख दे रही हूँ, वरना इसकी ये जो नग वगैरह है ना सब निकल जाएंगे। और इसमें पहले से भी काफी सारी चीजें पड़ी है, वो हटा दूं। और ये नथ इसकी है तो इसी में रख दे रही हूँ मैं। आपको ये वाला सेट दिखाती हूँ, तो ये बॉक्स में अलमीरा में रख दे रही हूँ। चलो इसमें फिर से देखिए कितना सामान फैला हुआ है, ये देखिए कुछ मिल ही नहीं सकता, क्या है। अब मैं इसको भी साफ कर ले रही हूँ आज। इस वाले ड्रॉअर का तो यही हाल होता है, हर 15 दिन में मैं इसे साफ करती हूँ, और हर 15 दिन में ये लोग यहाँ पे यही हाल करती हैं। पता नहीं कितने सारे तो हेयर बैंड, क्लिप, न जाने क्या क्या, और ऊपर से अपने टॉयज भी कई बार यहाँ पे ला ला के रख देती हैं। वॉशिंग टेबल भी कर रही थी तो फिर ये जो दरवाज़ा है ना इसमें भी कुछ गंदगी सी लगी थी, तो मैंने झाड़ू से कर दी। और ये जो लीव्स हैं उसमें भी बहुत सा। शाम के बज चुके हैं 5, और 5 बजे में क्या करती हूँ, दूध गर्म करने रखती हूँ, तो चलो रख देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम, ये सब करने के बाद फिर मैं रात के डिनर की तैयारी करूंगी। पहले तभी सोचूंगी कि मुझे क्या बनाना है डिनर में। रोज का एक टेंशन रहता है कि मतलब क्या बनाए रोज। अब एक ही सब्जी तो रोज खाने का मन भी नहीं करता है, बाहर कोई ज़्यादा जा भी नहीं सकता है, तो अभी देखते हैं कि क्या बनाना है। अभी कुछ दिन पहले तो रेस्टोरेंट गए ही थे, तो मैंने यशी की तो काम कर दिया, रो रही थी, उसको काम कराने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कहती मेरी लगती है बहुत, कहती है आप मेरे काम मत किया करो, मैं खुद कर लूँगी, और खुद तो करना आता नहीं है। तो अभी देखिए दोनों रेडी होके जा रही हैं, और आयना अभी भी पढ़ने में लगी हुई हैं। आयना यशी को भी काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि साड़ी की वजह से अभी मैं बर्तन सेट करूँगी ना, वो पूरी मेरी साड़ी गीली हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ उसके बाद ही करूँगी। और मैगी का मैं यहाँ पे बता रही थी कि मैगी का मसाला मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये जो मैगी मसाला आता है ना सब्ज़ी वगैरह में डालने के लिए, मतलब ये अलग से रहता है, उसी पैकेट में नहीं रहता, तो मैंने ये वाला मैगी मसाला ऐड कर दिया है, क्योंकि उसमें का पता नहीं मैंने ये हो सकता है साइड में कहीं रख दिया, मुझे मिलना नहीं उस पैकेट में, इसलिए मैंने ये वाला मैगी का मसाला डाल दिया है।
तो ऑलमोस्ट मेरी मैगी बन गई है। अब मैं बर्तन सेट कर लेती हूँ। बर्तन भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फैले हुए हैं। बर्तन सेट करने के बाद पूरे इतने सारे, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे वॉश भी करना पड़ेगा पानी डाल करके। नीचे भी वॉश करना पड़ेगा, नीचे भी गंदा हो जाता है, थोड़ा बहुत पानी रहता है, फिर स्लीपर्स या पैर के फिर दाग बन जाते हैं। तो मैगी तो मेरी रेडी हो गई है, बर्तन भी सेट हो गए हैं। आप सभी भी आ जाइए मैगी खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये एसी ना ऊपर से गंदी हो गई थी, तो इसको क्लीन करना पड़ता है हमें। तो भाई मेरा जब आया हुआ था ना, तो वो ही क्लीन कर रहा था, तो मैंने सोचा ये भी आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं, एसी क्लीन करना। व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करूँगी। आई होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।